नमस्कार दोस्तों, अब हम रिवीजन करेंगे प्रश्न निर्माण की। तो आप क्या कीजिए, ये 8 सेंटेंस नोटबुक में लिख लीजिए और मन से आपको जिस तरह समझ में आया है या जिस तरह समझ में आता है उस तरह से प्रश्न बनाइए और एंड में मैं आपको हर एक का आंसर बता दूंगा, समझा दूंगा। मगर तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने मन से लिखिए, तो फिर बाद में देखेंगे कि कितने सही है कितने गलत है और मैं यहाँ बताऊंगा कौन सा आंसर सही है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सब लिख लीजिए। ओके, तो चलिए आप लिख लीजिए। तो मुझे लगता है कि आपने सभी को उत्तर लिख लिए हैं, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो वाङ्मयम् तपः उच्यते, देखिए तपः अभी ये क्या है, तपस शब्द है, सकारांत शब्द है, नपुंसक शब्द है, प्रथमा एकवचन, इसलिए किम आता है, किम के कानी, तपः तपसी तपांसी, मनः मनसी मनांसी, मनस शब्द की तरह। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे हम गृहम गृहे गृहाणी, ये भी नपुंसक शब्द है मगर ये अलग चलेगा, और ये सकारांत शब्द तपस मनस, ये शब्द अलग चलेगा, तो ये मनस की तरह। उसके बाद चंद्रह नाम भूपति ही वसति, अभी भूपति ही ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, भूपति मतलब राजा, तो भूपति ही प्रथमा एकवचन है, हरि शब्द की तरह, तो प्रथमा एकवचन होने कारण और पुल्लिंग होने कारण हमने यहाँ कह लिखा। तो ध्यान में रखना है, जो शब्द जिस विभक्ति में है, जिस वचन में है, जिस लिंग में है, उसी वचन का, उसी विभक्ति का, उसी लिंग का आपको किम सर्वनाम यूज करना है। उसके बाद अश्वाह प्राण त्राणाय अधावन, प्राण त्राणाय ये चतुर्थी एक वचन है, तो चतुर्थी एक वचन इसलिए कस्मई, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद साधु जन मैत्री, मैत्री शब्द श्रीलिंग है, तो नदी शब्द की तरह, इसलिए का के कहा, उस तरह से नदी नद्यो नद्य, तो ये मैत्री नदी शब्द की तरह है, इसलिए यह श्रीलिंग आता है का। तो प्रश्न हमने यहाँ शॉर्टकट लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाङ्मयम् किम् उच्यते, चंद्र नाम कह वसति, ओके इस तरह से भी आप लिख सकते हो। आर्तानाम् परित्राणाय, अभी आर्तानाम् षष्टि बहुवचन, तो केशाम्, तो किम का केशाम्। चंचलम् मनः अस्ति, अब यहाँ देखिए मन चंचल है, तो मन कैसा है, चंचल है, तो चंचल ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो जब भी एडजेक्टिव रहेगा तब आपको किदृशम यूज करना है, अभी नपुंसक इसलिए किदृशम, चंचलम नपुंसक इसलिए किदृशम, मगर पुल्लिंग होता तो किदृशः। अभी उसी तरह से स्त्रीलिंग का भी हमने यहाँ दिया है, रमणीय ही सृष्टि एषा, सृष्टि कैसी रमणीय है, तो कैसी है सृष्टि, सृष्टि मतलब दुनिया कैसी है, तो किदृशी, तो स्त्रीलिंग शब्द है रमणीय, तो इसलिए किदृशी, क्योंकि रमणीय सृष्टि ये विशेषण है, रमणीय सृष्टि विशेष्य है, ओके सृष्टि श्रीलिंग शब्द, इसलिए रमणीय भी श्रीलिंग में चला गया, तो उसी की तरह किदृशी कैसा कैसी इस तरह से। उसके बाद विद्वांसः एव लोके, अब यहां देखिए विद्वांसः ऐसा शब्द है, तो विद्वांसः ये क्या है, प्रथमा विभक्ति बहुवचने, विद्वान विद्वांसः विद्वांसः, तो प्रथमा बहुवचन इसलिए कह कौ के, तो आपको ध्यान में रखना है, हमने प्रश्न निर्माण पर वीडियो भी बनाया है, आप वो भी देख सकते हो, उसमें भी इन सारी बातों पर चर्चा की गई है। तो चलिए इस तरह से आज हमने प्रश्न निर्माण की रिवीजन कर ली है, तो मैं कोशिश करूंगा और कुछ वीडियो बन पाते या नहीं मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।